एक बार राजा परीक्षित के मन में आया कि दादाओं के, मेरे जो दादा थे पांडव, उनके राजकोष में उन्होंने जाकर के देखा, खोला तो एक मुकुट चमकता हुआ दिखाई पड़ा। चमकते हुए मुकुट को उतारा, उतार करके अपने सर पे पहन लिया, घोड़े पर सवार हुए और अपने नगर में, राज्य में घूमने के लिए चले आए। तो वहां जब जा आकर के देखा, एक नगर के कोने पर एक गाय एक बैल खड़ा था और एक पुरुष था जिसके हाथ में तलवार थी। गाय रो रही थी, उस पुरुष ने अपनी तलवार से उस बैल के तीन पैर काट दिए। गाय रोक रही थी, रुदन कर रही थी, ऐसा मत करो, ये गाय है पृथ्वी और बैल है धर्म, धर्म के चार चरण हैं, सत्य चला गया, पवित्रता चली गई, प्रेम चला गया, बचा है तो केवल दान। दान के सहयोग से ही व्यक्ति अपने आप को मुक्त करता है। जब चौथे पैर को भी काटने वाला राजा परीक्षित आ गया, खर ठहरो, कौन हो तुम, कहां से आए हो मेरे राज्य में, आप तलवार लेकर के गाय का और इसका बैल का वध करना चाहते हो, निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब जो पुरुष था उसका नाम था कलयुग। भगवान जब धराधाम छोड़कर के चले गए तो कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग ने कहा, प्रभु मैं भी आपके इस राज्य का एक टुकड़ा हूं, मुझे भी कोई स्थान बता दीजिए रहने के लिए, मैं कहां रहूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम जैसे अत्याचारी के लिए मेरे यहां कोई जगह नहीं रहने के लिए, निकल जाओ यहां से। तो परीक्षित विचार करने लगा, अगर मैं क्रोध करूंगा तो काम खराब हो जाएगा। कई बार लोग क्रोध करके ही काम खराब कर देते हैं अपना, बनते बनते काम जो बिगड़ जाता है, कई बार क्रोध के अभिमान के कारण से बिगड़ जाता है। कलयुग ने दिमाग से काम लिया, कलयुग ने कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां मैं रह सकूं, कुछ तो बताइए ना मुझे। तो राजा परीक्षित ने कह दिया कि तुम्हारे लिए मैं चार स्थान बताता हूं जहां तुम रह सकोगे। बोले क्या है प्रभु, कि दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विदा। पहला स्थान आपका है दूतम, जहां मदरा का पान किया जाता है वहां तेरा निवास होगा, और पानम दूतम जहां जुआ खिला जाता हो वहां तेरा निवास होगा, जहां मदरा का पान किया जाता होगा उस घर में तेरा निवास होगा, और जहां पर स्त्रियों को कुदृष्टि से देखा जाएगा उस घर में निवास तेरा रहेगा, और जहां हिंसा होती होगी, जहां पक्षियों को जानवरों को काट करके खाया जाता होगा उस हृदय में, उस घर में सदैव कलयुग का निवास रहेगा। कलयुग ने कहा, प्रभु ये तो अच्छे स्थान नहीं है, कोई अच्छा सा और हो तो बताओ। लेकिन परीक्षित के मन से निकल गया कि जाओ धातु नाम अस्मि कांचनम, स्वर्ण में भी तेरा निवास होगा। कैसे, सोने में, जो अधर्म से धन कमाया जाएगा, जुआ से, हिंसा से, छल से, कपट से जो धन घर में आएगा वह धन उस घर में भी कलयुग निवास करेगा। इसलिए कहा जाता है धन तो कई हाथों से निकल के आता है और कई भावनाओं से सना हुआ ये हाथ में धन आता है, पैसा आता है, इस पैसे को भगवान के कार्य में कुछ लगा दोगे अंश तो वो धन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र तब होएगो जब बोलोगे राधे श्याम। तो धन को पवित्र करने के लिए आप भगवान के नाम पर कुछ लगाइए। तो उसी समय
कलयुग ने चरणों को छू लिया परीक्षित के, और सिर पर था सोने का मुकुट। वैसे तो वो भी अन्याय का मुकुट था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भीम को साथ में लेकर के राजा जरासंध को मारने के लिए गए, धोखे से कपट से छल से मारा, और वही मुकुट वो लेकर के आए और वही मुकुट को धारण किया था राजा परीक्षित ने। कलयुग का वास हो गया, बुद्धि खराब हो गई, जाकर के ऋषि का अपमान कर दिया और समीक ऋषि के गले में जाकर के मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र ने संगी ऋषि ने सांप दे दिया, अरे राजा तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे पिता का तूने अपमान किया है, जा मैं तुझे सांप देता हूं। इसी सर्प का जो पूर्वज है जिसका नाम है तक्षक सर्प, उसके द्वारा तेरी मृत्यु सातवें दिन हो जाएगी तक्षक सर्प के काटने से। ये सांप दे दिया। समीक ऋषि की आंखें खुली तो पुत्र से कहा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया, राजा है, क्रोध आदि आ गया होगा, गलती हो जाती है, लेकिन पिता का अपमान पुत्र सह नहीं सकता और पति का अपमान स्त्री सह नहीं सकती। अपने शिष्यों को भेजा के जाओ, राजा से बोल दीजिए सातवें दिन में ही तुझे तक्षक सर्प के द्वारा काटने से मृत्यु हो जाएगी, अपना कोई उपचार कर लीजिए। तो परीक्षित ने अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया, उत्तराधिकारी बना दिया और स्वयं चले आए अपनी मृत्यु की खोज में कि सात दिन में मुक्ति मेरी कैसे होगी, कहाँ होगी, किसके द्वारा होगी। इसी चिंतन में निकल पड़े, गंगा के किनारे पर आए और वहाँ आकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ जाकर के भगवान का स्तवन करने लगे, चिंतन करने लगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।